नमस्कार, साहस समाचार टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा धीर। आइए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। पीएम मोदी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को किया फोन, मिमिक्री को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। केंद्र ने पश्चिम बंगाल का बकाया पैसा नहीं दिया, पीएम मोदी से मुलाकात के बाद बोली ममता बनर्जी। उपराष्ट्रपति की नकल उतारने पर कल्याण बनर्जी बोले अपमान करने का इरादा नहीं था। पहलवानों से यौन शोषण के मामले पर अब 4 जनवरी को होगी सुनवाई। दिल्ली में इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन पर हादसे में जान गंवाने वाली महिला के परिजनों को डीएमआरसी देगी 15 लाख। विपक्षी सांसदों के निलंबन पर बोले राहुल गांधी, बेरोजगारी और महंगाई पर चर्चा क्यों नहीं। लोकसभा से 2 और सांसदों को किया गया सस्पेंड। कर्नाटक में सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार कल कोविड समीक्षा बैठक करेंगे। यूपी के बाराबंकी में बर्तन व्यापारी के घर पर डकैती, एसटीएफ ने शुरू की जांच। अरविंद केजरीवाल 10 दिनों के विपश्यना कार्यक्रम के लिए रवाना, 21 दिसंबर को ईडी ने किया है तलब। एफसीआरए उल्लंघन केस में सीबीआई ने एमनेस्टी इंटरनेशनल के खिलाफ पूरक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की। महाराष्ट्र में अप्रैल से अक्टूबर के बीच 4000 से ज्यादा नवजातों की हुई मौत। धनखड़ की मिमिक्री विवाद पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, जो हुआ संसद के बाहर हुआ। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.4 थी। खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें साहस समाचार टीवी के साथ। नमस्कार।